अमरकूट के पावन धरती को सेवा जहार करते हुए सेवा जहार गढ़वाना के गढ़हर किलो के समझ शक्तियां सेवा जहार नर्मदा की पावन धारा सेवा जहार गढ़वाना समग्र क्रांति आंदोलन के महानायक गोंडवाना रत्न दादा इगासी जी मरकाम के चरणों को सेवा जहार परम शक्ति थोड़ा पेन सदर पेन बुढ़ाल पेन परसा पेन बड़ा देव एवं नर्मदा के समझ शक्तियों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि दादा मरकाम जी को दीर्घायु प्रदान करें, हम सबके ऊपर उन्हें लगे क्योंकि आपका जन्मदिन है और आपने हमारे समाज को जो जगाने का काम किया है रात दिन, आज गढ़वाना का आंदोलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे महान जगाने वाले महानायक दादा मरकाम जी का जन्मदिन है, अतः परम शक्ति बड़ादेव दादाजी की उम्र को और आगे बढ़ाए लंबी उम्र दे ऐसे कामना करते हुए समस्त आज के ये महासम्मेलन महाभोगो महाभोगो अमरकोट के पावन धरती में अनेक प्रदेशों से आए हुए सम्मानी हमारे पदाधिकारी राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रदेशों के पदाधिकारी जिला स्तर के और समस्त यहाँ पर उपस्थित पितृ शक्ति माता शक्ति आप सभी के चरणों को हार्दिक हार्दिक सेवा जहार करता हूँ। पितृ शक्ति और माता शक्तियों दादा मरकाम आप हम सबको जगाने का काम किया और दिनों दिन हमारे जो गोंडवाना का दादाजी का जो आंदोलन है वो बढ़ता जा रहा है, अतः धीरे धीरे करके हमारे जो युवा हैं उनमें चेतना और जागृति आ रही है और ये सब दादा मरकाम जी के त्याग और तपस्या का फल है। आज व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना है लेकिन हम जब से दादाजी से जुड़े हैं छोटे उम्र से दादाजी के साथ में और कई वर्षों तक पैदल आना जाना रहा है दादा मरकाम जी इस गोंडवाना को और हमारी सोई हुई हमारा जो समाज है उसको जगाने के लिए दरबार एक दिन में 100-150 किलोमीटर पैदल चल करके और जो तपस्या और त्याग किया है उसका एक फल है कि आज अमरकोट की पावन धरती पर यहाँ सारे देश से आप हम सब यहाँ पर एकत्रित होकर के आज यहाँ चिंतन और मनन कर रहे हैं। सत्य माधु सत्य बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं कहते हैं कि गोंडवाना धीरे धीरे करके हर टूट रही है, ऐसा नहीं है। दादा मरकाम जी का आंदोलन दिनों दिन बढ़ रहा है, कभी किसी एक कोने में था आज सारे देश के अंदर में ऐसा शायद ही कोई प्रांत हो जहाँ के दादा हीरासिंह जी मरकाम का आंदोलन अर्थात गोंडवाना आंदोलन न पहुंचा हो और इस आंदोलन को और तेजी से बढ़ाने का काम करना है। हमारे युवाओं से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि दादाजी के आंदोलन को गांव गांव तक टोला पाला तक और पहुंचाने का प्रयास करें ताकि हमारे दादाजी का जो सपना है हमारा जो इतिहास हमारा जो अतीत बताता है कि धरती पर कभी हमारे पूर्वजों का राज शासन था और वह ऐसा राज शासन था कोई भेदभाव नहीं था, कोई छुआछूत नहीं था। यहाँ पर सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, घरों में ताले नहीं लगते थे, ऐसा वह जमाना था। उस जमाने को पुनः हम यहाँ पर स्थापित करें उसके लिए दादा हीरासिंह मरकाम ने जो आंदोलन छेड़ा था वह आंदोलन आज धीरे धीरे करके देश और प्रदेश में और सारे संसार में अतः इस आंदोलन को कोई पीछे नहीं हटा सकता। अतः हम सभी से यहाँ पर आए अमरकोट के पावन धरती पर आप सभी आए हुए हैं, आप सभी पदाधिकारी और खास करके हमारे नौजवान युवा साथी और युवती आप सभी से मैं सर्वत्र निवेदन करता हूँ कि दादाजी के इस महाआंदोलन को गांव गांव तक पहुँचाए और पुनः हमारे जो पूर्वजों का जो इतिहास है हमारा जो अतीत है उसे आप सभी बचाने का प्रयास करें क्योंकि हम यहाँ पर अमरकोट के पावन धरती पर आते हैं और अनेक प्रांतों से यहाँ पर बिहार से आए हैं, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश इत्यादि सभी जगह से आए हैं लेकिन यहाँ का जो हमारे गौरवशाली इतिहास नर्मदा की पावन धरा पर अमरकोट के पावन धरा पर और जो हमारा इतिहास रहा है यहाँ से मानव सृजित हुई ऐसा हमारे पूर्वज और हमारे दादा मरकाम हमारे माता रानी गंगा जी ये बताते हैं
साथ ही साथ यहाँ पर धीरे धीरे जैसे आज अमरकंठा कह दिया जाता है, अमरकंठा बोला गया, अमरकूट को धीरे धीरे करके अमरकंठा कह दिया जाता है, इसका पुराना नाम जो है अमरकूट है। और इस अमरकूट की पावन धरती पर हमारे गोंडवाना के राजा को भी नाम रहा, जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर पुराने मंदिर, वही राजा करण साय मैनावती के कर्म स्थली है, जो धीरे धीरे करके उसे हम इतिहास बोलते जा रहे हैं। इसलिए इतिहास को भी जानना जरूरी है, इसलिए मैंने एक गीत के माध्यम से और अमरकोट के और हमारे राजा करण साय मैनावती के इस हमारे पूर्वज जो बताते थे उस किस्से और कहानी को, जो हकीकत में वास्तव में सत्य है, हमारे गोंडवाना के राज्य चिन्ह उन पुराने मंदिरों में आज भी जाकर जाकर के देखेंगे, गोंडवाना के राज चिन्ह हाथी के पास शेर सवार आज भी प्रत्येक मंदिर में बने हुए हैं। वह हमारे राजा करण साय मैनावती के द्वारा बनवाए गए मंदिर है। राजा करण साय चारागढ़ से अपनी राजधानी हटाकर जो चारागढ़ नरसिंहपुर जिले मध्य प्रदेश नरसिंहपुर जिले में है, वहां से अपनी राजधानी हटा करके और समरकूट की पावन धरती पर लाया और उन्होंने यहाँ पर सफलतापूर्वक शासन किया। राजा करण साय मैनावती के बारे में हमारे पूर्वज बताते थे कि वो दाई कंकालीन का महान भक्त था, बीहड़ जंगल में जाकर और कंकालीन दाई की भक्ति किया करता था, आधी रात के समय बीहड़ जंगल में जाकर लोगों किया करता था कंकालीन दाई का। और यहाँ तक कहा जाता है कि वह तेल फलते हुए तेल में अपने शरीर को त्याग देता, देवी गाय उसके भक्ति से प्रसन्न होकर और उसे पुनर्जिंदा कर देती थी और उसे 40 मन सोना दिया करते थे, हमारे पूर्वज कहते थे। वही सोना को राजा करण साय अपने राजमहल अर्थात यही पर अमरकोट में अपने राजमहल जहाँ पर ये उनके द्वारा बनवाए गए मंदिर है, वही अपने राजमहल में लाता था और दिन रुकने रुकने के पहले सारे सोना और चांदी को गरीबों में दान बांट देता था। इसलिए ढुलसारे पहाड़ को हमारे पुरखा लोग हमारे पूर्वज आज भी राजा करण का भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे पहाड़ में सोना का दान बांटा करता था और जब इस धरती पर मांगने वाले आए बाहर से तब उन्होंने भी राजा करण साय के गुण गाए, बड़े भक्त सारे राजा करण के बेड़ा को दान किया, बोरे राम कहकर के भूख मांगा। वही राजा करण साय मैनावती गुण गा करके यहाँ के राजा करण साय मैनावती की गुण गा था। मैं अपने दो शब्द अपने गीत के माध्यम से हमेशा बताने का प्रयास करता हूँ, तो मैं उन पंक्तियों को आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। अमरकोट की भैया निराली राजा करण साय दानी, अमरकोट की भैया निराली राजा करण साय दानी, मैनावती रानी जी की सयानी दोनों की हमर कहानी, मैनावती रानी जी की सयानी दोनों की हमर कहानी, हमारे कोट की भैया निराली राजा करण साय दानी, मैनावती रानी जी की सयानी दोनों की हमर कहानी, मैनावती रानी जी की सयानी दोनों की हमर कहानी। एक दिन राजा करण साय बोले सुन ले मैना रानी, सुन ले मैना रानी, एक दिन राजा करण साय बोले सुन ले मैना रानी, सुन ले मैना रानी, हमारे कोट सिपाही नर्मदा कल कल निर्मले पानी, कल कल निर्मले पानी, यही थाना मां बंदर बने बाबो, यही थाना मां बंदर बने बाबो, दोनों की अमर निशानी, मैनावती रानी जी की सयानी दोनों की हमर कहानी, मैनावती रानी जी की सयानी दोनों की हमर कहानी, मैनावती कहानी एक बोले राजा मोरे मन का भाई रे, मोरे मन ला भाई, मैनावती कहानी एक बोले राजा मोरे मन ला भाई रे, मोरे मन ला भाई, मैया नर्मदती पावन मूड़ा चतरी हजार ने आए, चतरी हजार ने आए, आए के मंदिर मदर से करी थोड़ा चढ़ाई पानी, मैनावती रानी जी की सयानी दोनों की हमर कहानी,
मैनावती रानी दिल की सयानी मनो की हमर कहानी। पत्थरे चंचल मंदिर बनेवाए सुंदर है दीदी अब कहानी सुंदर है अनेक निशानी। दारी में राज चिन्ह बनेवाए हाथी पर से सवारी हाथी पर से सवारी सोना चांदी के कंगूरा लगवाए लैया ये कौन बेईमानी। मैनावती रानी जी की सयानी है दाना की हमर कहानी। मैनावती रानी जी की सयानी है दाना की हमर कहानी। मैनावती रानी जी की सयानी है दाना की हमर कहानी। दान लुटाए सोना चांदी के हमरे कारण साए राजा हमरे कारण साए राजा। दुखी नहीं कहना उनके राज में दुखी नहीं कहना उनके राज में खुशी के बाद ही बाजा खुशी के बाद ही बाजा। सोना चांदी के सिक्का चले माए सोना चांदी के सिक्का चले माए राजा अमृत निशानी। मैनावती रानी जी की सयानी दोनों की हमर कहानी। मैनावती रानी जी की सयानी दोनों की हमर कहानी। अरे मैनावती रानी जी की सयानी दोनों की हमर कहानी। प्रोपिंता प्रोपिंता और पुनः दादा धीरे से जय मरकाम के चरणों को शिवोजोहर करते हुए और उनके जन्मदिन पर पुनः परम शक्ति बड़ा देव दादा मरकाम जी को दीर्घायु प्रदान करे लंबे उम्र देव और हम सभी के उम्र दादा मरकाम जी को लग जाए ताकि हमारे बीच में और बहुत दिन तक दादा गोंडवाना को और हमारे सोई हुए इस समाज को जगाने के लिए अपना अथक प्रयास जारी रख सके हमको आशीर्वाद प्रदान करते रहे ऐसे परम श्रद्धेय दादा मीना सिंह मरकाम गोंडवाना ने मरकाम दादा के चरणों को सेवा जोहर करते हुए अपनी वाणी के भीतर प्रणाम देना चाहूंगा। प्रणाम सेवा सेवा।